के 19 साल के एक नौजवान का एक वीडियो सामने आया है जो नोएडा की सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब मैंने एक ट्विटर पे ये वीडियो देखा तो जाहिर सी बात है, जैसे हम सबको लग रहा है, टच द कॉर्ड, हम सबको बहुत अच्छा लगा। मुझे भी यही लगा कि ये लड़के में बहुत जोश है, ये लड़के का एम कितना क्लियर है कि मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूँ। और जो भी उसकी परिस्थितियां आए कि माँ अस्पताल में है, उसको काम करना है, घर जाके खाना बनाना है, समय कम है, लेकिन वो अपने गोल को, अपने ध्येय को अचीव करने के लिए वो डिटर्मिंड है कि मैं ये करके रहूंगा, ऐसा लगा मुझे। तो मैं जानता हूं कि चाहे उसका जज्बा जितना भी अच्छा हो और हम सबको अच्छा लगे, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, प्रावधान नहीं है कि उसकी भर्ती ऐसे ही हो जाए। उसकी भर्ती बकायदा टेस्ट और तरीकों के हिसाब से होगी। वो ऐसे भर्ती कर दें, ऐसे होने लगा तो फिर लोग ऐसे तरह तरह की चीजें करने लगेंगे। और ऐसे कई उदाहरण होंगे, बहुत बहुत युवक हैं जो भर्ती होना चाहते हैं, बहुत जोश दिखाते हैं। बहरहाल मैंने उसको ये ऑफर किया, उस मतलब ट्वीट के जरिए ही। मैं जानता नहीं हूँ ना उनको, ना जिन्होंने पोस्ट बनाई है, फिल्म मेकर है मिस्टर विनोद कपरी जी। तो मैंने सिर्फ ये कहा, मैंने बात की जो कर्नल ऑफ रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट के हैं, क्योंकि उसने अल्मोड़ा का कहा कि मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूं। तो हम ट्रेनिंग सेंटर्स में बाज दफा ऐसे करते हैं, रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स में, जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रीजन के हिसाब से ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, तो उनमें हम ये किया जाता है कि अच्छे जोशीले लड़के अगर आइडेंटिफाई हो जाए कोई किसी वजह से भी, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं, थोड़ी उनको पॉलिश अप कर सकते हैं कि वो रिक्रूटमेंट टेस्ट जब होगा उसमें वो उत्तीर्ण हो सकें, यानी पास कर सकें और सिलेक्ट हो जाएं। क्योंकि ऐसे जवानों की भी जरूरत है, हमें ऐसे जवान चाहिए जिसका जैसा जोश है, जैसे इसकी लीडरशिप क्वालिटीज नजर आ रही हैं सामने, ऐसे जवान चाहिए।